हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा के आज के एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 के विषय परिवेश अध्ययन के पाठ नंबर 8, जिसका नाम है चखें, चबाएं और खाएं, इस पाठ को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सब मिल करके सीखते हैं अपने आज के इस अति सरल, रोचक और मजेदार पाठ को। तो हो जाइए तैयार लेकर अपनी परिवेश अध्ययन की पुस्तक। बच्चों, यह पाठ बड़ा ही मजेदार है क्योंकि इस पाठ में हम भोजन से संबंधित बातें करेंगे। खुश हो गए ना आप? बच्चों, आज हम जिसके विषय में बात करने वाले हैं वे भोजन को चखने, चबाने और खाने में हमारी मदद करते हैं। आप सोच रहे होंगे, ऐसे हमारे दोस्त कौन हैं जो इस प्रकार हमारी सहायता करते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ, ये हैं आपके प्यारे प्यारे मोतियों जैसे सुंदर दांत और आपकी नटखट जीभ। समझ गए ना कि आज हम हमारे दांतों और जीभ के विषय में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको सीखने के प्रतिफल बताती हूँ, यानी वो दक्षताएं या बातें जो आप यह पाठ पढ़ने पर सीख जाएंगे। वो हैं कि आप क्या जान जाएंगे, दांतों के प्रकार कितने होते हैं, साथ ही आप यह भी बता सकेंगे कि दांतों के क्या प्रयोग होते हैं, और आप साथ साथ स्वाद को भी पहचानने लगेंगे और यह भी बता सकेंगे कि कौन है जो स्वाद को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं। तो बच्चों, पढ़ते हैं दांतों के प्रकार के बारे में। इससे पहले बच्चों कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये है ऋतिक जो 9 वर्ष का है और कक्षा 4 का छात्र है। आजकल यह थोड़ा परेशान है। जानते हैं कि ऋतिक को क्या परेशानी है। क्या हुआ ऋतिक, आप परेशान क्यों लग रहे हो? मेरा यह दांत कब से हिल रहा है, पता नहीं कब टूटेगा। इसके कारण मैं अपना मनपसंद फल अमरूद भी नहीं खा सकता। ओहो, यह तो बहुत बड़ी परेशानी है कि ऋतिक अपने हिलते हुए दांत के कारण अपना मनपसंद फल अमरूद भी नहीं खा सकता। देखते हैं वो अपनी माँ से इस संबंध में क्या बातें करता है। देखो ना माँ, मेरा यह दांत कब टूटेगा। दिखाओ ऋतिक। अरे, यह तो टूटने ही वाला है। रात होते होते दांत टूट गया। अब ऋतिक को थोड़ा चैन पड़ा। बच्चों, अब मैं आपसे आपके दांतों के विषय में पूछ। तो जब तुम्हारा कोई दांत पहली बार हिला तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? बहुत अजीब महसूस हुआ मैम। अच्छा बेटा, तो अब मैं अगला सवाल पूछती हूँ कि तुम्हारा पहला दांत किस उम्र में टूटा? तान्या, आप बताओ कि दांत आपका ऊपर का था या नीचे का? मैम, तब मैं 6 वर्ष की थी जब मेरा दांत नीचे वाला दांत टूटा। अच्छा बेटा, तो तुमने या तुम्हारे माता पिता ने उस दांत का क्या किया था? मैम, मेरी माँ ने दांत को मिट्टी में लपेटकर छत पर फेंक दिया था। अच्छा चिराग, तो फिर टूटे हुए दांत के स्थान पर नया दांत लगभग कितने दिनों के बाद आया था? मैम, लगभग 1 महीने में मेरा नया दांत आया था और मैं तो बहुत खुश हो गई थी। अच्छा, तो इसके साथ साथ ही अब ऋतिक भी खुश हो गया है क्योंकि ऋतिक का भी नया दांत आ गया है। तो देखते हैं ऋतिक अपनी माँ से अपने नए दांत को लेकर क्या बात करता है। अरे वाह ऋतिक, आज तुम बड़े खुश लग रहे हो। हाँ माँ, देखो मेरा नया दांत आ गया है। ये तो बहुत अच्छा है ऋतिक। माँ, क्या आपके भी दांत टूटेंगे? नहीं, क्योंकि ये मेरे दूध के दांत नहीं हैं जो टूटकर गिर जाएंगे। माँ, ये दूध के दांत क्या होते हैं? बेटा, जब तुम 6 महीने के थे तब तुम्हारा पहला दांत निकला था और 3 वर्ष की आयु तक तुम्हारे सभी 20 दांत निकल आए थे। इन्हें ही हम दूध के दांत कहते हैं। क्या मेरे बाकी भी दांत ऐसे ही टूटेंगे? हाँ ऋतिक, ये सभी दांत
टूटकर इनके स्थान पर नए दांत आएंगे और वो तुम्हारे स्थायी दांत होंगे। तो बच्चों, आपने सुने ऋतिक और उसकी माँ की बातचीत, आप समझ गए होंगे। साथ ही मैं आपको एक बार पुनः बताती हूँ कि हमारे दांतों के दो सेट होते हैं। कौन कौन से? पहला है दूध के दांत और दूसरा जो सेट होता है उनको हम कहते हैं स्थायी दांत। अब हम इनको एक एक करके इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। जैसे सबसे पहले जो सेट आता है उनको हम कहते हैं दूध के दांत, और इनकी संख्या कितनी होती है? 20। और पहला दांत जो दूध का होता है वो आपको 6 महीने की आयु तक आ जाता है। सभी 20 दांत 3 वर्ष की आयु तक आ जाते हैं, और इन्हीं 3 वर्ष की आयु तक आए 20 दांतों को हम दूध के दांत कहते हैं। इसके बाद जो नए दांत आते हैं उन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं, और क्योंकि 6 से 12 वर्ष की आयु तक सभी दूध के दांत टूट जाते हैं और इनके स्थान पर नए दांत आते हैं, इनकी संख्या होती है 28 से 32 तक। इन्हीं नए दांतों को हम स्थायी दांत कहते हैं। तो बच्चों, ये हमने सीखा अपने दूध के दांतों के और स्थायी दांतों के विषय में। अब बच्चों, अरे तमन्ना, ये आप मुंह खोलकर क्या करना चाह रही हो? मैम, मैं अपने दांत गिनना चाहती हूँ। बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक सरल सा क्रियाकलाप बताती हूँ जो आप आसानी से कर सकते हो, साथ ही एक दूसरे के साथ अपने दांतों की तुलना भी कर सकते हो। ये सारणी देख रहे हैं ना आप? इस प्रकार आप भी एक सारणी बनाएं और फिर दर्पण की सहायता से अपने मुंह में दांतों की संख्या गिने और यहाँ लिखे, फिर आप गिने कि आपके कितने दांत टूट चुके हैं, उनको भी लिख लें, फिर ये गिने कि आपके कितने दांत नए आ गए हैं और उन्हें भी अपनी सारणी में लिख लें। जब ये सारी जानकारी आप लिख चुके तो अपने दोस्तों के साथ मिलान कर सकते हैं, जिससे आपको अपने दांतों के साथ साथ दोस्तों के दांतों की संख्या कि कितने दूध के दांत बचे हैं और कितने उनके स्थायी दांत आ चुके हैं, ये सब जानकारी आपको पता चल जाएगी। बच्चों, ऋतिक की माँ की बातें सुनकर और ये क्रियाकलाप करने पर आपको सारी बात समझ आ गई होगी, जैसे ऋतिक को आ गई है। Yes, ma'am. तो चलो फिर, अपने दोस्तों के साथ साथ आज आप अपने घर पर ये आसान सा क्रियाकलाप भी करना, जिससे आप अपने घर के सभी सदस्यों की जानकारी प्राप्त कर सकोगे। मैम, कौन सा क्रियाकलाप? क्या यह भी इतना मजेदार होगा? हाँ तमन्ना, इस क्रियाकलाप की सहायता से आप न केवल अपने अपितु अपने परिवार के सदस्य जैसे कि माँ, पिताजी, बड़े भाई या बहन के दांतों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कागज की शीट लेनी है और जैसे ये सारणी बना रखी है वैसे ही आपको भी एक सारणी वहाँ पर बनानी है, और इस प्रकार कॉलम में जैसे सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? सदस्य का नाम, फिर उसकी उम्र, फिर उसके दूध के दांतों की संख्या और फिर स्थायी दांतों की संख्या। इस प्रकार आप अपनी इस सारणी में सभी सदस्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीख जाएंगे तो आप भी बहुत सुंदर चित्र जो है वो बना सकोगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। जैसे आप W बनाते हैं, इस तरीके से आप इसके ये संरचना नीचे वाली जो हमें दिखाई नहीं देती ये वो संरचना होती, उसके बाद हल्का सा इसको चौड़ा करते हुए इसकी ऊपर वाली संरचना आप बना लेंगे जो आपको ये हमारा जो है एक बाहरी ढांचा बन गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा ही इसके अंदर और एक छोटा ढांचा हम बनाएंगे, एक और छोटा W बिल्कुल इस पहले वाली के पास से गुजारते हुए धीरे धीरे बनाए आप इसको, और जैसे आप इंग्लिश का W लिखते हैं वैसे ही इसको बनाते हुए चले जाए। ये बना, और ऐसे ही आप इसका जो ऊपर वाला ढांचा है उसको ऐसे, ये बन गया इसका अंदरूनी हिस्सा। अब आप कहेंगे कि ये तो दांत बन गया, ये लगा कहाँ होता है? जहां हमारा दांत लगा होता है उसको हम ऐसे बाहर वाला एक और W इसके लाइन के बिल्कुल पास से आप ऐसे गुजारिए, और
यहां से ये हिस्सा और यहां से आप इसको ऐसे निकाल दीजिए, ये हिस्सा बन गया। तो ये क्या आ गया आपके पास, आपके दांत का चित्र आ गया। इसको थोड़ा और हम बनाते हैं, यानी इसके अंदर मैं आपको रंग भर के दिखाती हूँ, जिससे आपको इसके सभी हिस्से जो है वो अलग अलग नजर आएंगे। ये जो हमने बनाया है ये क्या हिस्सा, ये वो हिस्सा है जिसमें हमारा दांत जुड़ा होता है, जिसको हम मसूड़े बोलते हैं। तो इसको हम ऑरेंज कलर से, संतरी रंग से करते हैं ताकि ये मैच हो आपके मसूड़े के जैसे रंग के साथ, और आप इसको अलग से पहचान पाए कि ये कौन सा हिस्सा है। ये हमारा क्या बन जाएगा, वो स्थान जहां पर हमारा दांत हमारे मुख से जुड़ा होता है, यानी मसूड़े, जिसमें ये बन गया। इसके पश्चात ये जो है बच्चों, ये इसका अंदरूनी दांत है जो हमारे सफेद दांत के अंदर होता है, जिसमें हमारी नसें वगैरह होती हैं। इसको हम इस रंग से करेंगे, ऐसे बिल्कुल इस लाइन के अंदर। धीरे धीरे आप रंग भरें, जल्दबाजी ना करें और ज्यादा दबा कर भी ना करें। इस तरीके से आप अपने चित्र के अंदर जो अंदरूनी दांत का हिस्सा है उसमें ये रंग भर सकते हैं, और आपको ये करते हुए बड़ा ही मजा आएगा और आप खेल खेल में सीख जाएंगे दांत का चित्र बनाना। तो ये बन गया हमारा वो हिस्सा जो हमें नजर नहीं आता, हमारे दांत के अंदर होता है। और ये जो बच गया, जो सारा और ये जो बच गया जो सफेद है, इसमें हम सफेद रंग भरते हैं। वैसे तो खुद ही सफेद दिख रहा है, रंग भरने की भी जरूरत नहीं है। आपको रंग भरना पसंद है मुझे पता है, और ये भी पता है कि आपकी कक्षा को चित्र बनाना कितना अधिक पसंद है, इसीलिए मैं आपको ये चित्र बनाना भी सिखा रही हूं कि आप अपना पसंदीदा काम अपने विज्ञान में भी कर सके। और इसमें हम ये चित्र भरेंगे तो ये हमें हमारा जो सफेद दांत, जो आपको बाहर नजर आता है आपका दांत, ये वो हिस्सा है। ये हमने बना दिया अपना दांत। देखो बच्चों, ये क्या है, ये जो हिस्सा है ये आपको नजर नहीं आता, जो हमारे उसके मसूड़े के अंदर होता है, और ये जो हिस्सा है ये आपको नजर आता है जो बाहर होता है सफेद दांत को, और ये क्या है, ये इसका अंदरूनी हिस्सा। ये हमने क्या बनाया बच्चों, दांत का चित्र। क्या बनाया ये, शाबाश, दांत का चित्र। आप भी इसे जरूर बनाएं, ये बहुत आसान है बनाना, सिर्फ W बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है और इसमें आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से आपका दांत का चित्र जो है वो तैयार हो जाएगा। ये हमने सीखा और खेल खेल में क्रियाकलाप किए। अब मैं बच्चों, अब मैं आपको एक मजेदार और बहुत ही शिक्षाप्रद कविता सुनाती हूँ। मैम, हम भी आपके साथ साथ बोलेंगे। अच्छा ठीक है बच्चों, आप भी मेरे पीछे पीछे इस कविता को दोहराना। तो तैयार हो आप कविता सीखने के लिए? यस मैम। ठीक है बच्चों। चार तरह के दांत हमारे, अलग अलग है नाम। चार तरह के दांत हमारे, अलग अलग है नाम। मोती जैसे चम 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 के, सबके अपने काम। मोती जैसे चम 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 के, सबके अपने काम। मोती जैसे चम 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 के, सबके अपने काम। मोती जैसे चम 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 के, सबके अपने काम। काम काटने का जो करते, वे कहलाते कृतंग। काम काटने का जो करते, वह कहलाते कृतंग। काम चीरने का जो करते, उनको कहते रदनक।
काम चीरने का जो करते उनको कहते रदनाक। काम चीरने का जो करते उनको कहते रदनाक। काम चीरने का जो करते उनको कहते रदनाक। काम चबाने का करते हैं अग्र चवर्णक दांत। काम चबाने का जो करते उनको कहते हैं अग्र चवर्णक दांत। काम पीसने वाला हरदम करे 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 चवर्णक दांत। पाचन योग्य बनाते भोजन यही हमारे दांत। पाचन योग्य बनाते भोजन यही हमारे दांत। हरदम साफ रखे हम इनको गिरे न प्यारे दांत। हरदम साफ रखे हम इनको गिरे न प्यारे दांत। हरदम साफ रखे हम इनको गिरे न प्यारे दांत। हरदम साफ रखे हम इनको गिरे न प्यारे दांत। शाबाश बच्चों, आप तो बड़े अच्छे से सीखते हो, बहुत ही बढ़िया। मैम, क्या जानवरों में भी दांतों के प्रकार होते हैं? और जैसे हमने कविता में सीखा कि अलग अलग दांत अलग अलग काम करते हैं, तो फिर जानवरों में कौन से दांत कौन सा काम करते हैं? वेरी गुड तान्या, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, यही मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। जैसा दांत वैसे काम। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जानवर भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करते हैं और इसके लिए उनको भिन्न भिन्न प्रकार के दांतों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कौन कौन से जानवर हैं और उनके किस प्रकार के दांत हैं, यही हम जैसा दांत वैसा काम इसमें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले मिलते हैं हम इनसे। मैं मांस खाता हूँ, मेरे सामने के चार दांत बहुत पैने और नुकीले हैं, इनसे मैं मांस को चीरता हूँ। हो, तो मिलते हैं अगले अपने इस जानवर से। मैं अपने सामने के नीचे वाले मजबूत दांतों से चारे को चबा चबा कर खाता हूँ। शाबाश, देखो अब अगला कौन है। मेरे दांत बहुत पैने और नुकीले हैं, मैं इनसे चीजों को कुतुर कुतुर कर खाता हूँ। अरे, ये और आया। मैं विशालकाय जीव हूँ, मेरे दांत दो प्रकार के होते हैं, दो बड़े दांत मुंह से बाहर की ओर निकले होते हैं, इनसे मैं भारी वस्तुओं को उठाता हूँ। मुंह के अंदर कटोरी जैसे बड़े बड़े मजबूत और कठोर दांत होते हैं, इनसे मैं लकड़ी को और चारा चबाता हूँ। तो देखा बच्चों, कितने अलग अलग जानवर और उनके कैसे कैसे दांत। वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन। हाँ बच्चों, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, परंतु भोजन का स्वाद हमें कौन बताता है, सोचो सोचो। तो बच्चों, आगे चलने से पहले आप मुझे इस पहेली का जवाब दो, बूझो तो जाने। 32 तालों में मैं छुप जाऊं, हर खाने का स्वाद बताऊं, गीत और स्वर को मैं उठाऊं, सबके मन की बात सुनाऊं, कुछ तेरे में घाव भर जाऊं, पेट का हाल सुनो मैं सुनाऊं, चिढ़ जाऊं तो तुम्हें चिढ़ाऊं, कभी लंबी कभी छोटी हो जाऊं, मुंह में पानी रस भर जाऊं, मुझे पहचानो तो खुश हो जाऊं। देखती हूँ आप में से कौन इस पहेली का जवाब देता है। भोजन का स्वाद कौन बताए, जीभ। यस मैम। तो बच्चों, आपने भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन और फल खाए होंगे, जैसे आम। तो आम कैसा लगता है आपको? मीठा। अच्छा, और फिर नींबू? खट्टा। नींबू खट्टा लगता है। तो इमली? खट्टी। अच्छा, फिर आगे बताओ तो करेला आपको कैसा लगता है? कड़वा। ये सारे स्वाद आपको आपकी नटखट जीभ बताती है। देखो, ये हमारी जीभ का चित्र है और इस पर आपको अलग अलग स्वाद जैसे मीठा, नमकीन, खट्टा या कड़वा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों, ये वो स्थान है जहाँ जीभ इन अलग अलग स्वादों को पहचानती हैं।
जहाँ जीभ इन अलग अलग स्वादों को पहचानती है और जानते हैं ये कमाल वो कैसे करती है, स्वाद कलिकाओं की सहायता से। जी हाँ बच्चों, हमारी जीवा पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो जीभ पर अलग अलग स्थानों पर व्यवस्थित होती हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, और इसीलिए आप अलग अलग स्वाद को जीवा के अलग अलग स्थान पर पहचान सकते हैं। मैम ये तो बड़ा ही मज़ेदार है, एकदम जादू की जैसे। मैं तो हर रोज अपनी जीभ से अलग अलग स्वाद पहचानूंगी और मज़ेदार स्वादिष्ट नई नई मिठाइयाँ और फल खाऊंगी। बच्चों स्वाद पहचानने के साथ साथ जीभ हमारे अन्य कार्यों में भी हमारी सहायता करती है, जैसे स्वाद को पहचानना, फिर बोलने में भी हमारी सहायता करना, और भोजन को लाला रस के साथ मिलाने में भी सहायता करती है। साथ ही भोजन को निगलने में भी सहायता करना हमारी जीभ का ही कार्य है, इसीलिए हमारी जीभ है बड़े काम की। तो बच्चों अभी देखा कि जीभ हमारे बहुत काम की है और बोलने में हमारी सहायता करती है। लगता तो आपको ऐसा होगा कि बोलने का काम केवल जीभ करती है, परंतु इसके कुछ साथी भी मदद करते हैं। अब आप पूछेंगे कि कौन से साथी, तो बताने से पहले हम एक खेल खेलते हैं। तैयार हैं आप सब? यस मैम। शाबाश बच्चों, तो हम ये शुरू करते हैं कि आप बिना होठ हिलाए यह अक्षर बोलेंगे, जैसे प बोल के दिखाइए। अब आप फ बोलिए। हाँ। ब भ हाँ। म बोल पाए क्या आप? नहीं मैम। अच्छा चलो अब इन को अक्षरों को आप बोलने की कोशिश करना, जैसे क क ख ख च च ज ज और त त। अब बोल पाए? यस मैम। तो ये क्या सीखा हमने कि कुछ ऐसे अक्षर भी हैं जिनको आप बिना होठ हिलाए नहीं बोल सकती। तो ये हमारे पहले जो जीभ के साथी हुए वो कौन है? होठ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कोशिश करेंगे कि अपनी जीभ को दांतों से छुए बिना नीचे दिए गए अक्षरों को बोलें, जैसे त अ थ अ द अ ध त न अ। अब आप बोल पाए? नो मैम। कोई बात नहीं बेटा, अब ये अक्षर आप बोलने की कोशिश करना, ज ज प प क क च च र र। क्या इन अक्षरों में आपको आपकी जीभ ने दांतों को छुआ? नो मैम। तो अब हमें पता चला कि कुछ अक्षरों को बोलने के लिए हमारी जीभ को दांतों की आवश्यकता भी होती है। तो दांत हमारे दूसरे साथी हुए। अब आगे बढ़ते हैं इस खेल में। अब तालू से छुए बिना, तालू से आप अपनी जीभ को छुए बिना इन अक्षरों को बोलने की कोशिश करेंगे, जैसे ट अ ठ ह ड ड ढ ड अन अन। क्या आप इनको बोल पाए? नो मैम। अच्छा इनको कोशिश करो फिर आप, क क ख ख ग ग घ घ अड़ अड़। क्या इन अक्षरों को आप बोल पाए? यस मैम। शाबाश, यानी हमारे तीसरे जो साथी हैं जीभ के जो बोलने में सहायता करते हैं वो है तालू। कुछ ऐसे वर्णमाला के अक्षर हैं जो तालू की सहायता से बोले जाते हैं। तो मजेदार है ना ये खेल? यस मैम। बच्चों ऐसे ही वर्णमाला के अन्य अक्षरों के साथ भी आप खेल करके देख सकते हैं, और आज ये खेल आप अपने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ अवश्य खेलना, आपको बड़ा मजा आएगा। ओके। तो बच्चों अभी हमने अपने पाठ में सीखा दांतों के प्रकार, विभिन्न प्रकार के जानवरों में किस प्रकार के दांत होते हैं, उन दांतों के नाम क्या हैं, साथ ही हमने देखा जीभा किस प्रकार से स्वाद को चखने में हमारी सहायता करती है। अब हम एक बार देखते हैं कि दांत किस प्रकार से हमारे मुख के अंदर व्यवस्थित होते हैं और विभिन्न प्रकार के दांत, साथ ही आप देखेंगे कि उनके क्या क्या कार्य हैं।
सबसे पहले आपके सामने यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें आपको सभी दांत जो हैं आपके मुख के अंदर जबड़े में जिस प्रकार व्यवस्थित होते हैं वो आपको यहाँ दर्शाए गए हैं। इसमें सभी वो दांत हैं जो हमने अपनी कविता में सीखे थे और वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं वो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखा दांत हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। अब बात करते हैं हम दांतों की सफाई की, क्योंकि यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें कि जब आप रोज सुबह उठें तो उठकर कुल्ला अवश्य करें और दांतों को आगे पीछे से अच्छे से ब्रश या दातुन से साफ करें, क्योंकि दांतों की सफाई है अति आवश्यक। उसके बाद हम क्या करते हैं कि बच्चों को टॉफी और चॉकलेट बहुत पसंद होती हैं, उनको खाए बगैर तो वो रह ही नहीं पाते, इसीलिए इन चीज़ों को आप कम खाएं। और अधिक खाने पर भी, क्योंकि आपके दांत खराब हो जाते हैं, आप खा लेते हैं तो अपने दांतों को समय से ज़रूर साफ करें, क्योंकि टॉफ़ी और चॉकलेट जो है वो हमारे दांतों को खराब कर सकती है। उनसे बचाने का क्या तरीका है कि हम अपने दांतों की सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। फिर बच्चों, खाने के बाद आप कुल्ला अवश्य करें, क्योंकि हर बार जब भी आप खाते हैं तो भोजन के कण हमारे दांतों के मध्य में फंस जाते हैं और वो हमारे दांतों को खराब कर सकते हैं, और ये तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे दांत खराब हों। तो उसके लिए क्या है, जब भी आप कुछ खाएं आप कुल्ला अवश्य करें। और फिर भी अगर आपके दांतों और मसूड़ों में दर्द हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इस तरीके से अगर आप अपने दांतों का ध्यान रखेंगे तो हमारे दांत जो है वो स्वस्थ रहेंगे। ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। यस मैम, बेशक से आप कुछ प्रश्न भी पूछ लो, मुझे तो यह अच्छे से समझ आ गया है। शाबाश बेटा, मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न देती हूँ जिससे आपको यह पाठ दोहराने में सहायता होगी। तो सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें और साथ ही कोशिश करें कि आप इनके उत्तर लिख पाएं। जैसे पहला प्रश्न क्या है कि तुम अपने दांतों और जीभ की सफाई कैसे करते हो। जो भी आप तरीका इस्तेमाल करते हैं वो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न कि क्या तुम्हारे सभी दांतों का आकार एक जैसा है, ये भी आप अपने दांतों को देखकर इसका उत्तर आसानी से लिख सकते हो। फिर जो कविता हमने सीखी उसमें आए चार प्रकार के दांतों के नाम और उनके क्या काम हैं वह आपको लिखने हैं। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि अपने दांतों की तीन विशेषताएं लिखो। आप अपने दांतों को दर्पण में देखें और उनमें क्या आपको खूबियाँ नज़र आती हैं वो तीन लिखें, जैसे कि आपके सफ़ेद दांत हैं। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि स्वाद चखने के अलावा जीभ और किस काम आती है, जो हमने अभी अभी सीखा था। और अपना अगला प्रश्न है दांत का चित्र बनाएं। बच्चों, अपना सातवां प्रश्न है जीभ के बोलने के साथी कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। ये सभी प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करें और अपने अध्यापक से चेक करवाएं। तो प्यारे बच्चों, यह था अपना आज का पाठ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।